तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय रजत दलाल और राजवीर भाई की कंट्रोवर्सी पीक पर है। कभी रजत दलाल इंस्टाग्राम पर लाइव आकर राजवीर भाई को गाली देता है और कभी राजवीर भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आकर और या वीडियो पोस्ट कर रजत दलाल को धमकी देते हैं। तो दोस्तों, इस समय ये कंट्रोवर्सी हाई लेवल पर चल रही है, जिसके बावजूद आप सभी लोग जानते होंगे कि राजवीर भाई ने अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर रजत दलाल पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे कि रजत दलाल ने अपने जिम ट्रेनर पर अपना पिछवाड़ा पिटवाया था, जिसे सुनने के बाद रजत दलाल के पीछे से पूरी तरह से सुलग चुकी है। जिसके बाद रजत दलाल ने भी इंस्टाग्राम पर लाइव आकर राजवीर भाई के लिए बहुत सारा बुरा भाला कहा और बहुत सारी गालियां भी दी। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें रजत दलाल ने राजवीर भाई के लिए बहुत सारी गालियां दी और बहुत सारा बुरा भला कहा। कह रहा था किसी ट्रेनर ने गांड मारी है, अब तेरी जो देखते हैं तेरी इज्जत स्नैच करेंगे, रुक जा, आन दो सब गाली मत देना मेरे को राजवीर, तेरी ये हो रही है वन वर्सेस ऑल इन्फ्लुएंसर, वन वर्सेस ऑल इन्फ्लुएंसर बैन पटकी थी क्या अकेले अकेले जो सब मिल के आगे। अब देखो बात है सारी इतनी घुमाने फिराने में, वो तो है ही सबको पता है, घर में बहन बहन नहीं है ना, राखी नहीं बनवाता। तीनों जी लेके आए बहुत सारी भीड़ भाई, देखो अगर हमारी कहीं दिक्कत होती है, हमारी कहीं गलती होती है तो हमारे साथ में भाई आएंगे, आपके साथ में जो भाई आए, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गांड आपकी मरी जाएगी। तो अब आपके पास दो दिन में कभी बता देना कहां मिलने का क्या सीन है, ठीक है। यहां बैठा हूं बहादुरगढ़ में, मैं भेड़ एनसीआर में ना फरीदाबाद में रहता हूं, काम दाम वाए बिजनेस वाए, घर बैठ के मांडोठी में है, अब मैं हूं मेरे घर में, तेरी माँ चोड़े तू आके दिखा। और अगर किसी को लगता हो ना इसका हिमायती है, कितने बड़े क्रिमिनल हो तेरे, कितने बड़े गैंगस्टर हो, तू गांड तक का जोर लगवा ले, अपना घर बिकवा ले, ये भोसड़ी के जो हराम के पैसे की गाड़ी वाड़ी ला रखी है वो बिकवा ले, तू तेरी गांड तक का जोर लगवा ले, तू झाट का भालू खड़वा के दिखा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, रजत दलाल ने फिर से राजवीर भाई को मिलने का चैलेंज दे दिया है और बहुत सारी गालियां भी बकी हैं और अपशब्द यूज किए हैं। तो आप जानते भी होंगे, पहले भी रजत दलाल ने ऐसे ही राजवीर भाई को मिलने का चैलेंज दिया था, लेकिन जब राजवीर भाई फरीदाबाद इनके घर पहुंचे तो ये मिलने के लिए नहीं आए और इन्होंने जिम का बहाना लगाकर बात को टाल दिया। और दोस्तों, रजत दलाल की इसी लाइव को खत्म होने के तुरंत बाद राजवीर भाई ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कि राजवीर भाई ने रजत दलाल की इस इंस्टाग्राम लाइव को देखने के बाद क्या रिएक्शन दिया और वीडियो में अपनी में क्या बोला। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो भाई ऐसा है, पूरे जाट समाज से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो भाई मेरे खिलाफ होना चाहते हैं और इस चूतिया का साथ देना चाहते हैं। एक लड़का है जो कि कलंक है, हिंदू नाम पे भी जाट नाम पे भी, जो सारे लोगों से लड़ाइयां करता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है, उनकी डिटेल निकालता है, उनके घर परिवार ने किस घर परिवार में किस बहन बेटी से किसकी बीवी से क्या गलती हुई है उनको सोशल मीडिया पे डालता है, उन लोगों से क्या गलती हुई है उनको सोशल मीडिया पे डालता है, ब्लैकमेल करता है माफ़ी मंगवाने के लिए कि मैं ये सोशल मीडिया पे डालूंगा तो वो लोग डर के मुझसे माफ़ी मांगेंगे। तो क्या ये लड़का आपसे जाट समाज से परमिशन लेके ये काम करता है? ये काम करने से पहले वो पूरे जाट समाज की परमिशन लेता है क्या कि भाइयों जाट समाज छत्तीस बिरादरी में ये काम करने जा रहा हूँ और सामने से कोई आके अगर मेरी गांड फाड़ेगा तो आप मुझे सपोर्ट करना? नहीं ना, तो मुझे लगता भी नहीं कोई मेरा जाट भाई इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, इस चीज़ को प्रमोट करेगा। तो जब आप इस चीज़ की परमिशन नहीं देते, कोई भी पूरा जाट समाज पूरा हिंदुइज्म इस चीज़ की निंदा करता है, इस चीज़ के खिलाफ है कि किसी की भी बहन बेटी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की बीवी को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तेरी बीवी शादी से पहले यहाँ 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 गई थी, उसकी बॉडी पे यहाँ 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 तिल है। तो जब कोई ऐसी इंसानी गांड फाड़े तो जाट समाज की याद क्यों आती है? जब पंगा लेते हो लोगों से, जब छोटे छोटे बच्चों को मारते हो, तब तुम्हें जाट समाज याद नहीं आता? तो ये क्या जाट समाज का प्रमोशन हुआ या ये जाट समाज पे कलंक हुआ ऐसा आदमी? तो भाई जो भी जाट है हमारे समझदार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और जैसा ही राजवीर भाई ने बताया कि जब रजत दलाल के ऊपर बात आई तो उसने सारी कंट्रोवर्सी को जातिवाद के ऊपर धकेल दिया और हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब राजवीर भाई रजत दलाल के चैलेंज पर उसके पास गए तो रजत दलाल पर राजवीर भाई का कुछ भी नहीं उखड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सारी कंट्रोवर्सी को देखने के बाद कि ये कंट्रोवर्सी अब जातिवाद पर जाने वाली है नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।